दुनिया के हर एक देश के मिलिट्री के जवान हम आम लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं, लेकिन दुनिया के बेस्ट फौजियों की अगर बात की जाए तो ऐसे में हम सभी के दिमाग में सबसे पहले अमेरिका और रूस जैसे देशों का ख्याल आता है। अब अगर आप भी ये सोचते हैं कि इन्हीं देशों के सिपाही दुनिया में बेस्ट होते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक और जाबाज सिपाही हमारे पड़ोसी देश नेपाल के गोरखा जवान माने जाते हैं। इन जवानों के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ये हर समय देश की खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ इन जवानों की खूबियों के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इन्हें किस तरह इतना डेडली और जाबाज बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में नेपाल, जो उस समय किंगडम ऑफ गोरखा कहलाता था, धीरे धीरे अपना फैलाव तिब्बत और भारत के अंदर कर रहा था। और उसी समय ब्रिटिश सरकार एक ऐसे मौके की तलाश में थी जिससे तिब्बत में भी उनका व्यापार शुरू हो जाए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कई बार गोरखा साम्राज्य के राजा के सामने ये सिफारिश पेश की कि उन्हें तिब्बत में व्यापार करने दिया जाए, क्योंकि गोरखा साम्राज्य भारत और तिब्बत के बीच में मौजूद था। यानी ब्रिटिश सरकार को तिब्बत पहुंचने के लिए हर हाल में गोरखा साम्राज्य को पार करना था। लेकिन दोस्तों, गोरखा के राजा ने ब्रिटिश सरकार की इस सिफारिश को कबूल नहीं किया। अंग्रेजों ने कई बार राजा के सामने सिफारिश भेजी, लेकिन वो हर बार इनकार करते रहे। राजा का इस तरह बार बार मना करने की वजह से गोरखा और ब्रिटिश इंडियन सिपाहियों के बीच बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में दोनों सेनाओं के बीच एक बड़ी जंग छिड़ गई। इस जंग में पहली बार दुनिया ने गोरखा सिपाहियों की ताकत और निडरता को देखा था। ब्रिटिश आर्मी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती थी। उनके पास सभी तरह के आधुनिक हथियार मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर गोरखा आर्मी अंग्रेजों की आर्मी के सामने एक बहुत छोटी सी फौज थी। लेकिन दोस्तों, इस छोटी सी फौज ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। ये जंग भले ही अंग्रेजों ने जीत ली थी, लेकिन इसमें उन्होंने अपने बहुत सारे सिपाहियों को खो दिया था। गोरखा सिपाहियों की बहादुरी को देखकर अंग्रेजी आर्मी के कमांडर उनके मुरीद हो गए थे। इस जंग के खत्म होने के बाद अंग्रेजों और गोरखा सेना के बीच शांति बहाल करने की एक डील साइन की गई। चूंकि अंग्रेज गोरखा सिपाहियों की स्किल देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे, इसलिए वे इन जाबाज सिपाहियों को अपनी मिलिट्री में शामिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शांति की उस डील में ये शर्त रखी थी कि इस समझौते के बाद ब्रिटेन को अपनी मिलिट्री में गोरखा सिपाहियों की भर्ती करने का हक होगा। राजा को ना चाहते हुए भी अंग्रेजों की ये शर्त माननी पड़ी थी। और दोस्तों, इस तरह इस समझौते के साथ ब्रिटिश मिलिट्री और गोरखा सिपाहियों के बीच 200 साल तक चलने वाली एक लंबी पार्टनरशिप शुरू हो गई। दोस्तों, तब से लेकर अब तक लगभग 20,000 गोरखा सिपाही अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे चुके हैं। आज की अगर बात करें तो अभी ये गोरखा सिपाही अंग्रेजी मिलिट्री का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं। अंग्रेजों के साथ ही ये गोरखा सिपाही हमारी इंडियन मिलिट्री में भी मौजूद हैं। मशहूर अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय हमारी भारतीय सेना में लगभग 32,000 गोरखा जवान मौजूद हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इन्हें दुनिया का बेस्ट सोल्जर बनाता है। इसका सबसे पहला कारण ये है कि इन सिपाहियों के जेनेटिक्स हम लोगों से काफी अलग होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने जन्म से ही उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं जहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है। इस तरह इन लोगों को प्राकृतिक रूप से कम ऑक्सीजन में रहने की आदत होती है। जिन जगहों पर हम लोगों के लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ ये गोरखा लोग आसानी से दौड़कर अपने काम को करते हैं। पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने के लिए इन गोरखा लोगों ने अपने शरीर में एक जेनेटिक म्यूटेशन डेवलप कर लिया है। इस म्यूटेशन की मदद से इन लोगों का ब्लड ऑक्सीजन को अच्छी तरह से स्टोर और ट्रांसफर कर पाता है। साथ ही इनके शरीर के ऑर्गन्स ऑक्सीजन को हम लोगों के ऑर्गन की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। यही वजह है कि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बाद हम लोग अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हैं और इसकी वजह से हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब ये गोरखा जवान अपने पहाड़ी इलाके को छोड़कर किसी नीची जगह पर जाते हैं तो वहाँ ज्यादा ऑक्सीजन मिलने के कारण वह खुद को और ज्यादा ताकतवर और मजबूत महसूस करते हैं। इस सब का मतलब ये है कि जेनेटिक लेवल पर गोरखा जवान फिजिकल फिटनेस, स्टैमिना और सहनशीलता के मामले में आम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं।
लेकिन दोस्तों गोरखा सिपाहियों के बेस्ट होने का सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, बल्कि इनकी सिलेक्शन प्रोसेस भी इन्हें दुनिया का बेस्ट सिपाही बनाने में एक अहम किरदार निभाती है, क्योंकि गोरखा सिपाहियों की सिलेक्शन प्रोसेस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन होती है। दरअसल नेपाल के अंदर गोरखा सिपाही बनना सिर्फ एक सम्मान या गौरव की बात नहीं होती, बल्कि उनके लिए ये अपने जीवन और भविष्य को बेहतर बनाने का एक रास्ता भी होता है। यही वजह है कि हर साल लगभग 30,000 नेपाली नौजवान गोरखा बनने के लिए इस सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, जिसमें से सिर्फ 200 नौजवानों को ही रिक्रूट किया जाता है। इससे आप खुद ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गोरखा बनने के लिए इन लोगों का कंपटीशन आपस में कितना ज्यादा टफ होता होगा। दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ वही लोग चुने जाते हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान होते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने वाले सभी नौजवानों को 1 घंटे लगातार हिमालय की पहाड़ियों पर दौड़ लगानी होती है। ये दौड़ पूरी होने के तुरंत बाद इन जवानों को 1 मिनट में 75 बेंच जंप और 2 मिनट में 70 सिटअप करने होते हैं, और जो जवान ऐसा करने में नाकाम हो जाता है उसका गोरखा बनने का सफर यहीं खत्म हो जाता है। इसी तरह इन लोगों के एक के बाद एक कई कठिन टेस्ट लिए जाते हैं, और जो लोग इन टेस्ट में पास हो जाते हैं उन्हें अगले राउंड की ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसी तरह टेस्ट होते होते जब ये लोग 30,000 से 200 रह जाते हैं तब इनकी मुख्य ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और एक बार मुख्य ट्रेनिंग के लिए बेस कैंप में गया जवान गोरखा सिपाही बनकर ही बाहर निकलता है। संख्या में कम होने के बावजूद भी गोरखा जवानों ने आज तक जिस भी युद्ध में भाग लिया है उसमें अपनी अलग छाप जरूर छोड़ी है, और इनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको गोरखा सिपाहियों की बहादुरी और निडरता का एक किस्सा सुनाते हैं। ये बात दूसरे विश्व युद्ध की है जब गोरखा ब्रिटिश सेना के लिए युद्ध लड़ रहे थे। एक दिन इस युद्ध के दौरान लक्ष्मण गुरुंग और उनके दो साथियों पर जापान के 200 सैनिकों ने अचानक से हमला कर दिया। गोरखा के जवान इतने सारे जापानी सैनिक देखकर नहीं घबराए और डटकर उनका मुकाबला करने लगे। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलियां चल रही थी कि तभी गुरुंग के दोनों साथियों को गोली लग गई और वे बुरी तरह घायल हो गए, यानी अब इस लड़ाई में गुरुंग अकेले पड़ गए थे। अभी वे आगे की स्ट्रेटजी सोच ही रहे थे कि तभी उनकी पोजीशन पर एक के बाद एक कई ग्रेनेड आ गिरे। इन ग्रेनेड्स को देखकर गुरुंग बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने तेजी से एक एक ग्रेनेड्स को उठाकर वापस जापानी सैनिकों की तरफ फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन 2 ग्रेनेड फेंकने के बाद जैसे ही उन्होंने तीसरा अपने हाथ में उठाया वो ग्रेनेड उनके हाथ में ही फट गया। इस धमाके में गुरुंग का हाथ पूरी तरह बर्बाद हो गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गए। जापानी सैनिकों को लगा कि गुरुंग अब सरेंडर कर देंगे और इसके बाद वह उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक से गुरुंग अपने उल्टे हाथ में गन लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। गुरुंग का ये जज्बा देखकर जापानी सैनिक बुरी तरह घबरा गए और अपनी हार मानकर वे वहां से भाग गए। कुछ समय बाद पता चला कि गुरुंग ने अकेले ही 31 जापानी सैनिकों को मौत की नींद सुलाया था, और दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं थी।